पवाई की विद्युत व्यवस्था हुई चौपट। 24 घंटे के अंदर चार जगह से टूटे 11 केवी के तार। रिहायशी इलाकों में टूटे बिजली के तार। किस्मत से अभी तक नहीं घटी कोई बड़ी घटना। जिस प्रकार हर गली कोने कोने पर कोरोना जैसी महामारी की चर्चा होती है, उसी तरह इस समय पवई के कोने कोने में बिजली विभाग की चर्चा हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 11 केवी के तार चार जगह से टूटने की खबरें आ रही हैं। वार्ड क्रमांक 14 में एवं स्टेट बैंक के सामने नन्ही पवई, जगनपुरा रोड तथा नन्ही पवई मस्जिद के सामने वाली गली में, इसी तरह वार्ड नंबर 8 में भी 10 सालों से रोना है। यहाँ आए दिन केबल लाइन फॉल्ट हो जाती है और फिर केबल लाइन को जुगाड़ करके बना दिया जाता है। वहीं रियासी मकानों के ऊपर बिजली के तार टूटने से लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा गया है। वैसे भी इस समय बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर 10:10 पर परमिट लिया जाता है और अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके चलते विरोध भी अज्ञात विभाग का हो रहा है। और अब विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि जगह जगह से 11 केवी के तार का अकस्मात टूटना किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, तो उसे कैसे रोका जाए। हमारा निवेदन है कि इस तार को, जो कि घर के अंदर इनके लगा हुआ है और करीब 10 से 12 घरों के ऊपर से निकला हुआ है, हर बार उन घरों के ऊपर जो गिर जाता है, इस खंभे को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बता बोलिए। हम सभी कॉलोनी वालों ने इसके पहले भी विद्युत विभाग में जाके आवेदन दे चुके हैं। ये आवेदन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं। ये तार 18 जुलाई को एक बार गिरा है जिससे आग लग गई, दूसरी बार ये 25 जुलाई को तार गिरा और आज ये 12 दिन के अंदर ये तीसरी बार 11,000 वोल्टेज की लाइन है। आप ही सोचिए कि यदि इस बरसात के मौसम में जरा से भी किसी को टच कर जाए तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपका नाम क्या है? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।